दोस्तों नमस्कार, ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन न्यूज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी है, अब खुशखबरी ही बोल सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में जो अपडेट सामने निकल के आ रही है, उस अपडेटों को अगर ध्यान में रखा जाए तो ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए खुशखबरी ही है। खुशखबरी क्या है ये भी हम आपको बताएंगे कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि होने की जो संभावनाएं आंकी जा रही थी वो पूरी तरीके से प्रमाण में बदल चुकी है। यानी कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को अब ये क्लियर हो चुका है कि उन्हें बढ़ी हुई पेंशन की राशि मिलेगी और ईपीएस 95 पेंशनर्स पेंशन से लाभान्वित होंगे। लेकिन अब प्रमाण क्या है कि कैसे हो जाएंगे ईपीएस 95 पेंशनर्स पेंशन से लाभान्वित। माननीय कमांडर अशोक रावत जी जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नेतृत्व कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एनएसए टीम के, उन्होंने अपने बात में कहा है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि 7,500 रुपये पेंशन राशि और साथ ही साथ उन्हें मेडिकल सुविधा हर हाल में मिलेगी। ऐसा कोई भी उन्हें जहाँ पे कोई उनको रोक सके, क्योंकि उनकी बातें हो चुकी हैं। प्रमुख बात दूसरे नंबर पे जो प्रमुख मुद्दा यहाँ पे है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि होने का इतना ठोस और पुख्ता मैं किस प्रकार से बोल रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि बीएमएस भारतीय मजदूर संघ का पूरी तरीके से समर्थन ईपीएस 95 पेंशनर्स को मिल चुका है। साथ ही साथ में सीबीटी की बैठक में सीबीटी के जो सदस्य उनके माध्यम से खुद इस बात को कहा गया था कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि से संबंधित संसदीय कार्यवाही में उस चीज़ को रखेंगे, पूरे के पूरे ब्यौरे को रखेंगे और इसी सांसद में ईपीएस 95 पेंशन का जो बिल है उस पर मुहर लगेगी, ईपीएस 95 पेंशन को पेंशन मिलेगी। तो दिसंबर तक आंका जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन को पेंशन में वृद्धि हो सकती है। वो क्या चीज़ें हैं वो तो हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एनएससी की टीम के द्वारा ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि करने का जो बात कही जा रही है, क्या एनएससी की टीम सच में ईपीएस 95 पेंशन को हायर पेंशन की राशि दिलाने में साबित हो जाएगी या नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन मुद्दे को अगर यहां तक कोई इंटरनेशनल लेवल तक, राष्ट्रीय लेवल, अंतरराष्ट्रीय लेवल तक अगर पेंशन मामले को लेके कोई गया है, देखिए अंतरराष्ट्रीय लेवल में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बाहरों में भी पेंशन से संबंधित क्या नियम है, क्या प्रावधान है, उस नियम को भी यहाँ सामने ला के रखा गया है। साथ ही साथ में अभी के जो नियम है, जो प्रावधान है, उन प्रावधानों को भी रखा गया है। पुराने जो नियम है, जो प्रावधान है, उन प्रावधानों को भी रखा गया है सामने। तो सभी नियम और प्रावधान को सामने इकट्ठा कर दिया गया है। साथ ही साथ में अगर अभी तक में बजट से संबंधित बातें कही जा रही थी कि बजट नहीं है, उसका भी जो समाधान था वो भी एनएससी की टीम ने सामने ला के रख दिया है कि बजट से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको उनका किस प्रकार से निराकरण हो सकता है, किस प्रकार से निदान हो सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एनएससी की टीम के द्वारा ही ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि कराई जा सकती है और एनएससी की टीम ने इस बात का भी दावा किया है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन वृद्धि हर हाल में होगी। ये जानकारी पूरी तरह से प्रूफ हो चुकी है। तो अब दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनर्स की अगर पेंशन में वृद्धि मतलब कि होने में कितना समय लगता है, ये प्रमुख कारण है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को लेकर सोच रहे हैं। तो सबसे पहले एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो दिसंबर आने वाला है, इसी दिसंबर के महीने तक में ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन वृद्धि को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशनर्स को कितनी पेंशन और ईपीएस 95 पेंशनर्स को कब तक में पेंशन मिलेगी, इसकी पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी। नवंबर लगा है, दिसंबर ज़्यादा दूर नहीं है। ईपीएस 95 पेंशनर्स के ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। आशा है, पूर्ण विश्वास है कि ये जानकारी भी आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, लेकिन आपके लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं तो आपसे भी एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है कि अगर वीडियो को जो तो शेयर नहीं करें, वीडियो को लाइक नहीं करें तो जरूर करें, साथ ही साथ में अपना एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी डाल दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।